जस्ट राइट ना, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इन लेबर वेरियंस, इन लेबर वेरियंस, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इन लेबर वेरियंस, ठीक है ना। पहले जरा समझो, राइट, कॉस्टिंग में हमेशा कैसे डिसाइड करने का, दिस इज योर व्हाट कॉस्टिंग। अगर कोई भी लॉस अनकंट्रोलेबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉर्मल लॉस, और अगर वो कंट्रोलेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ये हम किसको चार्ज करेंगे, कस्टमर को, चार्ज टू कस्टमर, और ये हमारा कहां चला जाएगा, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो तरह का लॉस रहेगा, एक अनकंट्रोलेबल, एक कंट्रोलेबल। अगर अनकंट्रोलेबल है तो नॉर्मल है, कस्टमर से लेना पड़ेगा, चार्ज टू कस्टमर, और यह है तो जस्ट राइट इट डाउन दिस ना चार्ट। एंड अनकंट्रोलेबल है तो किससे लेना पड़ेगा, कस्टमर से, राइट। और अगर कंट्रोलेबल आपकी वजह से लॉस हुआ है तो आपको कहां चार्ज करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पे। अभी देखो हम लोग से क्या मिस्टेक होता था स्टार्टिंग में, सपोज कोई कस्टमर ने अपने को बोला कि यार कैन यू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर मी, बोला हाँ ठीक है बन जाएगा, बोले ठीक है आप मेरा एक 1000 यूनिट्स का कॉस्ट शीट बना के दो, दिस इज ए 1000 यूनिट्स ऑफ S1। जरा समझो ध्यान से ना, हमने पूछा दिस इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी प्रोडक्शन मैनेजर बोला कि भाई एक यूनिट को बनाने में सपोज 10 kg मटेरियल लगेगा, तो कितना हो गया 10,000 kg, एट द रेट ऑफ सपोज 10 कितना हो गया 1 lakh। अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि एक यूनिट अगर बनाते हैं तो उसको बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, वो बोलता है 7.5 hours। क्या बोला वो अपने को, 7.5 hours एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 7,500 × 10 एंड दिस कम्स टू 75,000, बट बेसिकली दिस इज रॉन्ग। एज पर इंडियन इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्कर 7.5 hours काम करता है तो हाफ एन आवर आपको क्या देना पड़ेगा, लंच। वो पैसा कौन देगा, जब ये एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो टाइम लग गया कितना 8,000। किसका मिस्टेक है, कंसल्टेंट का मिस्टेक है, कंसल्टेंट ने अपने को रॉन्ग बताया। उसको ये पता होना चाहिए कि जब अगर 7.5 hours वर्कर काम करेगा तो हाफ एन आवर आपको क्या देना पड़ेगा फॉर लंच, तो ये आपका टाइम क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, जब हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 8,000 एंड नॉट 7,500। समझे या नहीं समझे, प्रॉपर है। लेकिन सपोज योर वर्कर इज रेडी टू वर्क, आपका इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, योर वर्कर इज रेडी टू वर्क, आपका मटेरियल खत्म हो जाता है, योर वर्कर इज रेडी टू वर्क, सपोज मशीन में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। अगर इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव, वाई, बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज।
आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, राइट? तो कैसे उसको अप्लाई करने का, तो जस्ट यू रेफर क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 12.82, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 12.82, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 12.82, देखो जरा क्या दे रखा है फ्रेंड्स। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फॉर्म आर इज अंडर स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 1000, स्टैंडर्ड रेट पर आर इज 0.5, एक्चुअल टाइम टेकन, टेकन को कट करके आप वहां पे ना पेड लिख दो, पेड। द स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल फिगर फॉर ए फॉर्म, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब आपका क्या दे रखा है 1000, स्टैंडर्ड रेट पर आर इज 0.5, एक्चुअल टाइम टेकन 1200, टेकन को कट करके आप जरा पेड लिख दो वहां पे ना, एक्चुअल टाइम पेड 1200, एक्चुअल वेजेस पेड 360, कंप्यूट द वेरियंस इफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100 आवर्स, राइट? स्टेप नंबर वन अपना क्या रहेगा, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म, बनाइए जरा ना। स्टेप नंबर वन दिस इज योर लेबर वेरियंस, स्टेप नंबर वन लेबर वेरियंस, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब 1000 इंटू 0.5 500, रेट पर आर 1000 आवर्स डायरेक्टली गिवन है ना, इंटू 0.5 500, 1200 360 इंटू 0.3, राइट? आउट ऑफ दिस 1200 ले एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100, तो एक्चुअली वर्कड इज 1100, एक्चुअली वर्क दिस 1100, राइट? पहले क्या करेंगे, दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट है आपका 500, एक्चुअल कॉस्ट 360, राइट? इट मीन्स 500 लेस 360 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 140, आपने क्या कॉस्ट सोचा था 500, आपको क्या कॉस्ट आ रहा है 360, कितने का बेनिफिट हो गया आपको 140, राइट? इसके थ्री पार्ट्स, वन लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर आइडियल टाइम वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर आइडियल टाइम वेरियंस एंड लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, हम्म,
कितने आवर्स वर्कर ने बोले थे अपने को प्रोडक्शन मैनेजर ने? 1000. हम बोलेंगे सर आपने ले लिए 1200. वो बोलेगा नो, फॉर 100 आवर्स के लिए माय वर्कर वाज रेडी टू वर्क, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, तो माय वर्कर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, राइट? तो अपन क्या लेंगे, 1000 - 1100 × 0.5 एंड दिस कम्स टू 50 एडवर्स. 1000 एक्चुअली वर्कड 1200, लेकिन आउट ऑफ दिस 100 आवर्स के लिए वर्कर वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो वर्कर क्या करेगा इसके लिए 50. और ये 100 जो लॉस है ऑलवेज इंटू 0.5, दिस इज ए 50 एडवर्स. वेन एवर देर इज ए विज ऑलवेज लॉस फॉर यू, राइट? वेन एवर देर इज ए क्वान्टिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, इट मीन्स 0.5 - 0.3 × 1200 इज कम 240 फेवरेबल. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, एंड बिकॉज दिस इज सिंगल सो देर इज नो मिक्स एंड सब यूसेज, नहीं तो वो भी आ जाएगा, राइट? अगर डबल रहेगा तो वो भी आए, वो मैं कराता हूँ अभी आपको. ये क्लियर हुआ कि नहीं बोलो फ्रेंड्स? तो ये पूरा आपका बेस बनाया जा रहा है, राइट? आपको पर्टिकुलर केस को समझने के लिए सारी चीजें, आपको ये सिस्टम कैसे काम करता है पहले वो समझो, राइट? आपको स्टार्ट से एकदम पूरा समझाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है. मैंने आपको क्या बताया था, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू आर ए इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट, और आपने कभी एक कॉस्ट शीट भी बनाया नहीं है, आप कैसे आंसर करोगे? तो हमारे साथ आपको दानी की कॉस्टिंग में क्या बेनिफिट है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है. तो ये आपको पूरा क्लियर हो रहा है? अगर अपने को डबल रहेगा तो क्या आ जाएगा, मिक्स एंड सब एफिशिएंसी, नहीं तो नहीं है. ये कॉपी हो गया, परफेक्टली क्लियर? कैन आई गिव यू वन चांस, राइट? आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 12.84, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 12.84. क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 12.84. आपको एक ही चीज याद रखना है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन बोलो, 5000, अंडरलाइन करो 5000 को. योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स, राइट है? तो पहले आप टेबल बना सकते हो, कितने तरह के वर्कर चाहिए आपको, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने आवर्स, 5, 3 and 2, इट मीन्स नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 5, 3, 2 hours, इट मीन्स 5000, 5000, 5000, 5, 3, 2, 25,000 hours, 15,000 hours, 10,000 hours. This is 2, 3, 5. पर यूनिट को बनाने में कितना चाहिए फ्रेंड्स, 2, 3, 5. इट मीन्स
10,000 hours, 15,000 hours एंड 25. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? राइट. नाउ एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड टोटल पेड 11,500, 17,500, 28,000. टोटल पेड इज 11,500, 17,500, 28,000 इज 57,000. राइट. लेस एबनॉर्मल आइडियल, बाकी का जो बचेगा दिस इज एक्चुअली वर्कड. एबनॉर्मल आइडियल इज द टोटल आवर्स पेड इंक्लूडेड 1140 इज ए एबनॉर्मल आइडियल, 420 स्किल्ड एंड 520 सेमी स्किल्ड. Two hundred, eleven five hundred minus four twenty, eleven zero eight zero, seventeen five hundred less five twenty, sixteen nine eighty, twenty eight thousand less two hundred, twenty seven eight hundred, fifty seven less eleven forty, fifty five eight sixty. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट, देन एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ओके, स्टेप नंबर वन, दिस इज योर लेबर वेरियंस एंड लेबर वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन actual production. What is my actual production is 5000 units. Standard actual hours rate amount hours rate amount skill semi skilled unskilled 10,000 hours 15,000 25 50,000 rate per hour 532 50,000 45 50 145. Actual hours paid 11,500, 17,500, 28,000. Fifty-seven thousand, 6.4
2.8 1.5 ना फ्रेंड्स, राइट है, 11,500, 6.4, 73,600, 17,500, 2.8, 35,000, 28,000, 1.5, 42,000, 73,600, 35 and 42. $17,500 into 2.8, $49,000, 73,600, 49 plus 42, 164,600, and this is 145. Say yes or no. ऑल राइट, है ना, फर्स्ट स्टेप नंबर टू, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस 145, 164, 600 19,600 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर आइडियल टाइम वेरियंस एंड लेबर रेट वेरियंस। आपको यही ध्यान रखना है, राइट, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड 10,000, 15,000, 25,000 बट एक्चुअली वर्कड किससे कंपेयर होगा, बोलो किससे कंपेयर होगा, नॉट पेड, एक्चुअली वर्कड। वर्कर बोलेगा फॉर 420 आवर्स आई वॉज रेडी टू वर्क, फॉर 420 आवर्स आई वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वॉट कैन आई डू, राइट। इट मीन्स 11,080 and 27,800 into 5, 3 and 2, 10,000 सोचा था, एक्चुअली टेकिंग 11,080 into 5, देर इज अ लॉस ऑफ 15,000, 16,980 into 3, 5,940, 27,825,000 into 2, 5,600 adverse, 16,940 फ्रेंड्स। एबनॉर्मल एडेड टाइम 420, 520, 200 रेट 532, 420 into 5, 2100 एडवर्स, 520 into 3, 1560 एडवर्स एंड 400 एडवर्स, 2100, 1560 and 400, 4060 adverse, labor rate
5.6.4 whenever there is a quantity rate part multiply by standard rate 3 less 2.8 2 less 1.5 17,500 and 28,000. $16,100 $3,500 favorable $14,000 favorable. $1,400 favorable. This plus this plus this equal to this. It means standard cost minus actual cost, standard hours minus actual hours into standard rate, abnormal ideal time into rate, standard rate, actual rate, actual hours. Say yes or no, friends. This plus this plus this equal to graphical इसके लिए, क्योंकि आगे जाके सब missing figures आएगा तो आपको एकदम proper आना चाहिए, right? इसके लिए अपन इसको graphically present कर रहे हैं. बोलो yes or no, friends. Right है? अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस. लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस, राइट? सब एफिशिएंसी वेरिएंस मींस टोटल. नाउ आउट ऑफ दिस 57,000 देयर इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम. एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना था आपका? 1140 और आपने एक्चुअली वर्क किया है 55,860. सो वी आर कंसर्न्ड विद 55,860. राइट है? इट मींस 50,000 आवर्स अलाउड थे लेकिन एक्चुअली टेकन 55,860 इनटू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 50,000. 55,860 लेस 50,000 इनटू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 50,000 16,994 एडवर्स. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. राइट? फिर आपका आता है इसी में लेबर यील्ड वेरिएंस. और लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस. राइट? आर्स
एंड आउटपुट आर्स 50,000, आउटपुट 5,000. मेरे आर्स कितने थे 50, तो मेरा आउटपुट कितना था 5,000. सही है, सुनो, आर्स 50,000, आउटपुट 5,000, आर्स 55,860. तो यूनिट्स होनी चाहिए 5,586. तो 5,586 की जगह वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 5,000. कॉस्ट 1,45,000 डिवाइडेड बाय 5,000. ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आर्स, ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. 5,586 माइनस 5,000 इंटू 16,994 एडवर्स. सही है, सुनो, राइट. देन लास्ट आपका बचा मिक्स और गैंग. इट मीन्स स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड. क्या आपने बोला था 10,000 आउट ऑफ 50. अब आपको इससे कुछ लेना देने नहीं है. आपका कैलकुलेशन किसके ऊपर रहेगा 55,860 इंटू 55,860. 15,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 55,860, 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 55,860, 11,172. Sixteen, 27,930. Actual hours 11,080, 16,980 and 27,800 into 5,32. $460 favorable, $666 adverse, $260 favorable. सही है, सुनो फ्रेंड्स, राइट है, परफेक्ट. बोलो कुछ पूछना है, एनी कंफ्यूजन? सेकंड पार्ट कैसे करेंगे?
हाउ टू डू सेकेंड पार्ट. उसको 11:40 को अगर ब्रेकअप नहीं दे रखा है, किस किसके रेशियो में प्रोपोर्शनेट, किसके रेशियो में 11:40 का ब्रेकअप. देखो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, बराबर है. इसको कैसे करेंगे, एक्चुअल रेशियो और स्टैंडर्ड रेशियो. स्टैंडर्ड रेशियो दोनों में से एक तो रहेगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल. इट इज एक्चुअल. अगर मेरे को मालूम है कि कल लाइट नहीं रहने वाला है तो आई वोंट कीप माय लेक्चर ओनली ना. अगर अपने वो पहले से मालूम है इज एक्चुअली हैपनिंग राइट, तो आप जरा ले लीजिए. ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये टेबल जरा चेंज कर लो आप ना. स्टेटमेंट शोइंग टॉप में लिख दो आप जरा ना, स्टेटमेंट शोइंग आंसर नंबर टू के लिए ना, यहाँ से लिखिए आप. ये टेबल तो आपका सेम ही रहेगा, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम राइट, ये रेशियो में आपका चला जाएगा राइट. सो एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 11:40. इलेवन फोर्टी डिवाइडेड बाई 57,000 इंटू 11,500 इज 230. इलेवन फाइव हंड्रेड लेस 230, 11,270, 17,500 लेस 350, 17,150, 28,000 लेस 560, 27,440, 57 लेस 11,40, 55,860. दिस इज एक्चुअली वर्कड. Say yes or no, right? पहले ये बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो. हैं, अब जरा समझ लो क्योंकि फिर ये होमवर्क में कर लेना. ये टेबल तो सेम रहेगा राइट, लेबर एफिशिएंसी में चेंज आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्स 11,270 बोलो, 17,150 एंड 27,440 चाहिए, तो इसका पिक ले लो राइट. आइडियल टाइम में भी चेंज आ जाएगा, बोलो कितना, 230, 350 एंड 560 राइट. ये आपका सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, यहाँ चेंज आ जाएगा आपका ना, कितना 11,270, 17,150 एंड 27,440. इसका पिक ले लो आप ना, होमवर्क में कर लेना आप, ये ना एनालिसिस होमवर्क में कर लेना.
चाहिए तो सॉल्यूशन का पिक ले लो एक ना, हो जाएगा। मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। बोलो यस और नो, ऑल राइट है। अब देखो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर थर्टीन पेज नंबर 12.83। आपका वीक में कितने आवर्स आप काम कर सकते हो? 40, बराबर। आपके पास 35 मेन है, 15 वुमेन है एंड 10 बॉयज हैं, है ना। मैं आपको इसके लिए लिखे रीड करने के देता हूँ। एग्जाम में अगर आपके सामने सिचुएशन आया था, आप क्या करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? मेरा वीक है फॉर 40 आवर्स और मेरे पास कितने वर्कर्स हैं? 35 मेन, 15 वुमेन एंड 10 बॉयज। इफ दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स, दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 यूनिट्स, दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 यूनिट्स, बट व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? 1900। तो कितने आवर्स लगेंगे निकालो। नोट नंबर वन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मैन वुमेन बॉयज 35 15 10 35 15 10, वीक इज फॉर 40 आवर्स, इट मीन्स टोटल आवर्स विल बी 1400 600 400। इन दिस दे कैन प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, इन दिस दे कैन प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, बट वी वॉन्ट ओनली 1900। से यस ऑर नो फ्रेंड्स? (1400 / 2000 × 1900) 1330 आवर्स, 570 आवर्स, 380 आवर्स। नोट नंबर टू, एक्चुअल आवर्स फॉर
एक्चुअल प्रोडक्शन। नोट नंबर टू, एक्चुअल आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैन, वुमेन एंड बॉयज टोटल आर्स पेड, आर्स पेड 40 आर्स। एक्चुअल वर्कर्स आर 34, 12 and 9. एबनॉर्मल आइडियल टाइम 34, 12, 9. ईच वर्कर नॉट वर्किंग फॉर 4 hours. 40 hours इन ए वीक। थर्टी फोर इंटू 40, 1360, 12 इंटू 40, 480, 9 इंटू 40, 360, 1360, 480 एंड 360, 2200, 34 इंटू 4, 136, 12 इंटू 4, 48, 9 इंटू 4, 36, 1360 less 136, 1224, 480 less 48, 432, 360 less 36, 324, 1224, 432, 324, 4, 3, 2, 3, 2, 4. ये क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट। 40 आवर्स का वीक था हमारे पास, 35, 15, 10 थे, राइट। उसमें हम लोग कितना बना सकते थे, 2000। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, 1900, तो कितना बनेगा, राइट। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन इज ए लेबर वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1900 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। मैन, वुमेन एंड बॉयज 1330, 570, 380, 1360, 480, 360. Point 8, point 6, point 4, point 7, point 6, 5, point 3, 0. One, three, three, zero,
बोलो कैन यू ट्राई स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू खुद से ट्राई करिए राइट लेबर कॉस्ट वेरियंस 1558 लेस 1372 186 पेन फेवरेबल बोलो लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस, मैन वुमेन एंड बॉयज 1330 570 380, 1224 432 324.8.6.4, 136 48 36.8.6.4, 0.8.6.4, 0.7.65.30, 1360 480 and या कोठारी राइट है। एफिशिएंसी डिवाइड इन टू लेबर सब एफिशिएंसी, लेबर मिक्स और गैंग, टू टू एट जीरो माइनस 1980 आउट ऑफ दिस देर इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम राइट, एबनॉर्मल आइडल टाइम 220 बाकी का 1980 राइट इन टू 1558 डिवाइडेड बाय 2280 205 फेवरेबल, मैन वुमेन बॉयज 1330 570 380, 2280 2280 2280 into 1980 1980
195 195 495 330. One, two, two, four, 432, 324, 0.8, 0.6, 0.4. Adverse. 37.8 favorable. 2.4 favorable. 37.8 2.4. 15 adverse. 15 labor yield variance, yield always in terms of output, yield always terms of output. Hours output, hours 2280, output 1900. If the hours 1980, 1900 divided by 2280 into 1980, 1650. 1650, 1900, 1558. 1900. Say yes or no. All right. So max to max labor mein they can ask this much, right? Total, then efficiency, ideal time, labor rate, labor sub efficiency, labor yield and labor gain. आपके मॉड्यूल में काफी कम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अपन ने पूरा मॉड्यूल भी कवर किया है, प्लस अपन ने जो बेस सम्स चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए जितनी भी जर्नी करी वो भी अपन ने किया है, राइट? और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो भी आपको कवर अप करा देंगे. पूरा थ्योरी समरी फॉर्म में अपन ने डाला हुआ है ये बुक के अंदर, प्लस जो केस स्टडीज हैं थ्योरी के वो भी अरेंज किए हुए हैं. ओके, तो प्लीज़ आप पहले पूरा बेस क्लियर करिए. ये पहला टॉपिक आपका चल रहा है, एकदम ये थॉरो होगा तब जाके आपको पता चलेगा, राइट? टू टाइप्स के आइडल टाइम रहेंगे, वन इज ए नॉर्मल एंड वन इज ए एबनॉर्मल. नॉर्मल मीन्स अनकंट्रोलेबल, हमको कस्टमर से लेना ही पड़ेगा पैसा, राइट? एबनॉर्मल मीन्स कंट्रोलेबल, चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट. परफेक्टली क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और, उसके बाद ब्रेक लेंगे, राइट? और ये ग्राफिकल इसके लिए देते हैं क्योंकि आगे चल के सब मिसिंग फिगर्स आएंगे, तो मिसिंग फिगर के लिए ग्राफिकल का होना बहुत जरूरी है, राइट? अंडरस्टैंड ऑन नॉट फ्रेंड्स.
सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट है, लास्ट आप लिखिए जरा, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, जस्ट राइट ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. से यस, यस और नो फ्रेंड्स, राइट? जस्ट रिफर क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 12.84. क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 12.84. प्रोडक्शन मैनेजर अपने को क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट इज 6. एक यूनिट को बनाने में कितने स्टैंडर्ड आर्स लगेंगे? 6, राइट? व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000. कितना टाइम लगेगा? इट मींस स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर आउटपुट है मेरा 1 यूनिट, R6, आउटपुट 20,000, सो दिस कम्स टू 1,20,000. वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 20,000 यूनिट्स. स्टैंडर्ड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, आर्स 1,20,000, रेट पर आर 2,40,000, एक्चुअल आर्स वर्कड 1,12,000, एक्चुअल ओवरहेड्स 2 lakhs, सो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1,12,000 इज 1.79. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट? फर्स्ट स्टेप नंबर 2, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था? 2,40,000. क्या कॉस्ट आ रहा है? 2,40,000
फेवरेबल, इसके दो पार्ट, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरिएंस। एफिशिएंसी 120,000 आवर्स, लेकिन एक्चुअल आवर्स 112 इज गुड, इनटू 2 16,000 फेवरेबल रेट टू 1.79। अच्छा, ये फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, हाँ। तो यू टेक 2 लैक्स, समझो 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 1,12,000, जो वैल्यू आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1,12,000, आपको आ जाएगा 24,000 फेवरेबल। देखो जरा, सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। समझे या नहीं समझे, राइट? बोलो। ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये फ्रैक्शन की वजह से प्रॉब्लम आएगा। तो यू टेक 2 लैक्स, 2 लैक्स को कैलसी पे डिवाइड 1,12,000, जो भी आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, तो आपको सेम आ जाए, ठीक है। अभी छोटा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सब इंडिविजुअल लिया था, सेल्स मार्जिन मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवर, अभी सब कंबाइंड विद मिसिंग फिगर, राइट? जस्ट रिफर क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 12.112। क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 12.112 मिला फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। एक ही चीज ध्यान रखना है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके? देखिए जरा, रीड करिए क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स। What is the actual production? Please underline that. What is the actual production? 6,000 units. और एक यूनिट को बनाने में कितना चाहिए? 2 यूनिट ऑफ ए, 3 यूनिट ऑफ बी एंड 15 यूनिट्स ऑफ टी सी। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, प्लीज अंडरलाइन दैट ए प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने में 2 यूनिट्स ए का लगेगा, 3 यूनिट्स बी का लगेगा, 15 यूनिट सी का लगेगा, राइट? What is my actual production is 6,000. It means स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट ए बी एंड सी। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000 यूनिट्स ऑफ ए के लिए 2 यूनिट्स, इट मींस 18,000, 3 यूनिट्स ऑफ बी 6,000 इंटू 3 18,000, 12,000 18,000 एंड 6,000 इंटू 15 इज 90,000। मेटेरियल वेरियंस, स्टेप नंबर 1, बेस्ड ऑन
एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 6,000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, इनपुट ए बी सी 12,000, 18,000, 90,000. $12,500, 18,000, 88,500. $4,300, $4,400, $2,800, $1,200. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, राइट? चेक 192 211 600, फ्रेंड्स, राइट है? स्टेप नंबर टू, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. $192,211,600. $19,600 adverse. Material usage variance. Material रेट वेरियंस ए बी सी 12,000, 18,000, 90,000, 12,500, 18, 88,500, 431, 4.4, 2.8, 1.2, 12,500, 18,000, 88,500, 2,000 adverse, 0, 1,500 favorable, 500 adverse,
मटेरियल्स सब यूसेज वेरियंस, मटेरियल मिक्स वेरियंस 1,20,000, 1,19,000, 192, 120. खुद से ट्राई करिए, राइट। एंड मटेरियल यील्ड वेरियंस, इनपुट 120, आउटपुट 6,000, इनपुट 119। फाइव नाइन फाइव जीरो, 6,000, 192, 6,000।
say yes or no, right? This plus is equal to this, this plus is equal to this. Max to max, they can ask 6 variants in material. Material cost, material usage, material rate, material sub usage, mix or yield. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, कैन यू मेक द टेबल फॉर लेबर? लेबर का बनाओ. Analysis of labor variance always based on actual production, right? Actual production is 6,000 units and 1 unit is requires 3 hours, right? It means step number 1, labor variance based on actual production of 6,000 units, standard and actual hours, rate and amount. 1 unit is requires 3 hours, 6,000 into 3, 18,000. Rate per hour is 8. ₹1,44,000. Actual hours 2,500 at the rate of 12. ₹30,000 and 15,000 at the rate of 8. ₹1,20,000. Labor cost variance 144, 150, 6 adverse. Labor efficiency, labor rate 17,500 into 8 less 12, 8 less 8.
या बोलो फ्रेंड्स, ऑल राइट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिसिंग फिगर्स के ऊपर ना। अगर अपने को मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, राइट? फॉर्मेट यही रहेगा आपका, ओके? देखो नॉर्मली लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड के आर्स क्या रहेंगे, सेम। नॉर्मली लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड के आर्स क्या रहेंगे, सेम। जैसे सपोज मेरा ये क्लास है, अभी ये क्लास में मैं पढ़ाने आता हूँ, मेरा लेक्चर है 8 AM to 12, मैं ये क्लास में आता हूँ पढ़ाने आपको, और मेरा टाइमिंग क्या है 8 to 12। अभी मैं 8 o'clock आया, राइट, और आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी गॉन, लेक्चर स्टार्ट हुआ 8:30 to 12। अब मैं तो क्लास वाले को बोलेगा भाई मैं तो अवेलेबल है ना, तुम्हारा लाइट नहीं है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है करके, तो मुझे पेमेंट कितने का मिलेगा, 4 hours, लेकिन एक्चुअल में एसी कितना चला, 3.5। तो अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो उतना आपका ओवरहेड से क्या हो जाएगा, माइनस। ओवरहेड जो लगेगा वो किस पे लगेगा, नेट आर्स पे। समझे नहीं समझे, राइट? दिस इज आर्स पेड, उसमें से आइडियल टाइम कौन सा, एबनॉर्मल, वो माइनस होके ओवरहेड इस पे लगेगा, ओवरहेड आर्स ये रहेंगे आपके। समझे या नहीं समझे, राइट? परफेक्टली क्लियर? कोई भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, सबसे बेस्ट पार्ट इज योर प्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट? देखो जरा 46 क्वेश्चन, आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 12.108, क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर 12.108 टेबल बनेंगे, एक लेबर के लिए बोलो और एक बोलो वेरिएबल ओवरहेड के लिए, एक लेबर के लिए एक वेरिएबल। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, 9000। देखो जरा फर्स्ट टेबल बना लो अपना, स्टेप नंबर 1 लेबर वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 9000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस आर्स रेट अमाउंट स्टेप नंबर 2 लेबर
कॉस्ट वेरियंस डिवाइड लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर आइडियल टाइम वेरियंस लेबर रेट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट क्योंकि सिंगल है इसके लिए मिक्स वगैरह नहीं आएगा राइट। अब आप खुद से करिए देखो कितना आप निकाल पाते हो राइट, फिर मैं बताता हूं आपको। एक बार खुद से ट्राई करिए। डायरेक्ट वेजेस पेड 1,10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 22। आउट ऑफ दिस देर इज ए एबनॉर्मल टाइम इज 5,000 आवर्स। इसका मतलब ओवरहेड लगेगा 105 के ऊपर, समझे नहीं। 1,10,000 22 of which 5,000 being ideal time were not recorded in the production. Standard hours 10 hours per unit. It means 9,000 into 10 hours 90,000. 9,000 into 10 hours 90,000. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 3,75,000 एडवर्स राइट है फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 150 पर यूनिट हां ध्यान रखना 9,000 इंटू 150 पर यूनिट 13,50,000 divided by 90 is 15. Actual variable overhead 16 lakhs. So 16 lakhs divided by 105 is 15.23. Say yes or no friends. 1,10,000 into 22, 24 lakh
20,000 वेरिएबल ओवर एंड में तो नो प्रॉब्लम, 13,50,000 माइनस 16 लैक्स, 13,50,000 माइनस 16 इज 2,50,000 एडवर्स, 90 माइनस 105 इंटू 15 2,25,000 एडवर्स, 15 लेस 15.23 इंटू 105 इज 25,000 एडवर्स फ्रेंड। बोलो यस नो, लेबर कॉस्ट अपना नहीं निकल सकता लेकिन लेबर एफिशिएंसी निकल सकता है। कैसे? 90,000 माइनस 105। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट फ्लक्चुएशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट? तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको इससे डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा। क्या आ रहा है? 25। सो दिस इज 25, 90,000 इंटू 25 is 22,50,000, right? 22,50,000 minus 24,20 is 1,70,000 adverse. Ideal time 5,000 into 25, 1,25,000, 22 इंटू 1,10,000 क्या आएगा? 3,30,000 फेवरेबल। टैली होता है? बोलो फ्रेंड्स। बोलो या सुनो,
या बोलो यस और नो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? परफेक्टली क्लियर? अब तीनों का लेते हैं मिसिंग फिगर, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड, राइट? कैन यू रेफर 32 पेज नंबर 12.96, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 12.96 खुद रीड करिए आप, राइट? और समझिए और मुझे बताइए कितने टेबल बनेंगे इसके अंदर ना। क्वेश्चन 32 पेज नंबर 12.96, खुद से ट्राई करिए, राइट? कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्या करेंगे आप? कितने टेबल बनेंगे बोलो? 3, एक मटेरियल, एक लेबर, एक वेरिएबल ओवरहेड, राइट? बनाइए जरा ना। स्टेप नंबर 1, मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन मीटर्स रेट अमाउंट मीटर्स रेट अमाउंट। कितने टेबल बनेंगे एक मटेरियल के लिए, एक आर्स के लिए, लेबर के लिए और एक वेरिएबल ओवरहेड के लिए, राइट? मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स, राइट? आप खुद ही ट्राई करिए, राइट?
मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. माय एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6000 यूनिट्स. 6000 into 2, 12,000. Rate is 672. 6000 into 1 hour, 6000. 6000 into 1 hour, 6000. Rate per hour 4.43. 18,000, 26,400. Say yes or no, friends. एक्चुअली कंज्यूम्ड 12,670. परचेज किया है उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, राइट, इनटू 5.7, राइट, 27,950 एंड 20,475. देर इज ए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस इज 1,500 एडवर्स. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 12,670 इंटू 5.7, 72,219. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 72,219 एडवर्स 12,670 इंटू 6 4,020 एडवर्स एंड 6 लेस 5.7 इंटू 12,670 3,801 फेवरेबल. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. या यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑल द मिसिंग फिगर एंड वर्क आउट ऑल द variances. बोलो.
लेबर एक्चुअल आवर्स इज नॉट गिवन, राइट। वेरिएबल ओवरहेड का भी एक्चुअल आवर्स इज नॉट गिवन। सो वेरिएबल ओवरहेड से अपन स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द एफिशिएंसी वेरियंस। बोलो यस और नो। एंड जो वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स रहेंगे वही लेबर के आवर्स रहेंगे, राइट। लेबर कॉस्ट वेरियंस निकल सकता है 26,400 माइनस 27,950 लेस 26,400 इज 1550 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरियंस नहीं निकल सकता क्योंकि अपने पास एक्चुअल आवर्स नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड निकल सकता है 18 माइनस 20,475 इट मीन्स 20,475 माइनस 18 इज 2,475 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरियंस 6,000 माइनस अपने पास एक्चुअल नहीं है मल्टीप्लाई बाई 3। सो 1500 डिवाइड बाई 3 इज 500 बिकॉज दिस इज एडवर्स। सो दिस कम्स टू 6,500। 1500 है अपने पास 3 है तो 500 आ जाएगा, एडवांस है इसका मतलब। तो ये दोनों आर्स आपके क्या हो जाएंगे 6,500। सो 2475 डिवाइडेड बाई 6500 3.15, 27950 डिवाइडेड बाई 6500 4.3। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 6,500 इंटू 4.4, 500 इंटू 4.4 2200 एडवर्स। रेट वेरियंस 4.4 लेस 4.3 इंटू 6500 650 फेवरेबल। सही है, सुनो फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस 3 माइनस 3.15 इंटू 6500 0.15 इंटू 6500 975 एडवर्स। दिस प्लस इज इक्वल टू दिस दिस। तो इसके लिए ये ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काफ़ी काम आएगा, राइट। परफेक्टली क्लियर। एक टेस्ट दोगे, राइट। 31 इसके पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 पेज नंबर 12.95, क्वेश्चन 31 पेज नंबर 12.95 से ट्राई करिए 31 ना फ्रेंड्स।
मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स। खुद से ट्राई करिए, राइट। प्लस वेरिएबल ओवर ओवरऑल। वेरिएबल ओवर इट इज 1 रुपी पर आर।
हुआ सॉल्व, क्या आ रहा है मटेरियल स्टैंडर्ड? भाई डायरेक्टली हो सकता है ना अपना, देखो अपने को क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 12, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 21, बोलो या सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 21, इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी 1000 × 21 इज 21,000 एंड दिस इंक्लूड्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, लेबर 8,000 वेरिएबल ओवरहेड 1600, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या आएगा 11,400 सही है सुनो। नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट विल बी 21.07 इंटू 1000 बिकॉज 0.07 इज ए वेरियंस, एडवर्स वेरियंस, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा 21.07, सो 21,070, दिस इंक्लूड्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल 10,000, दिस इज 1620 एंड दिस इज मिसिंग राइट, इट मींस 21,070 लेस 10,000 लेस 1620 इज 9,450, दिस इज 9,450 डिवाइडेड बाई 1800 इज 5.25 एंड दिस इज 11,400, 11,400 डिवाइड बाई 3 इज 3,800, बोलो एक बार टेबल कंप्लीट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 11,400 माइनस 10,000 1,400 फेवरेबल, मटेरियल यूसेज वेरियंस 3,800 माइनस समथिंग इनटू 3, सो 600 डिवाइड बाय 3 इज 200 एंड दिस कम्स टू 4,000, दिस इज 4,000 एंड 2.5, सो 3 माइनस 2.5 इंटू 4,000 2,000 फेवरेबल, लेबर कॉस्ट वेरियंस 8,9,450 1,450 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 1600 1800 इंटू 5 1,000 एडवर्स, 5 माइनस 5.25 1800 450 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 1600 1620 20 एडवर्स, 1600 1800 इंटू 1 200 एडवर्स, देन 1 माइनस 0.9 इंटू 1800 180 फेवरेबल, या सॉरी
बट द आंसर इज सेम ना. वॉट 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 हाउ यू आर सॉल्विंग. हाँ तो पर यूनिट से भी आ जाएगा ना. नहीं क्यों लॉन्गर, इट्स वेरी इजी. हाँ देखो नहीं पर लॉन्ग इससे भी इजी रहेगा वो. लॉन्ग टाइम कैसे लगा आपको. देखो पर यूनिट आपको लेना है ना. दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल, राइट है. अच्छा मटेरियल आपके पास नहीं था, राइट है. लेबर आपके पास है कितना, 8000 डिवाइडेड बाई 1600 क्या आएगा. नहीं सॉरी, 8000 डिवाइडेड बाई 1000 क्या आएगा, 8 रुपीज. ये आपके पास था है ना, ये भी आपके पास था. वेरिएबल ओवरहेड 1600 डिवाइडेड बाई 1000 क्या आएगा, 1.6. टोटल आपका क्या है, 21. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर. हाँ व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, 11.4 है ना. एंड 11.4 इंटू 1000 या सेम है ना. अब एक्चुअल में आ जाओ, मटेरियल कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इज 10. लेबर अपने पास नहीं था, वेरिएबल ओवरहेड है 1620 डिवाइडेड बाई 1,000 1.62. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, 21.07 ना. सो 21.07 माइनस 10 माइनस 1.62 9.45. एंड दिस इज 9.45 इंटू 1000. या से यस नो फ्रेंड्स, ऑल राइट. एक जरा लास्ट क्वेश्चन और देख लो, 29 जनरल क्वेश्चन आपको लेके चलता हूँ. अब मैंने आपका सब कंप्लीट कर दिया, सेल्स मार्जिन मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड मिसिंग फिगर रिवर्स कैलकुलेशन एवरीथिंग. नेक्स्ट टाइम स्पेसिफिकली देर इज ए सेपरेट लेक्चर फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, वो सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन वी विल पूरा एक लेक्चर उसको डिवोट करेंगे, राइट. खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. 29 आप जरा देख लो क्या बोलना चाह रहे हैं. ये जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस स्टडी टाइप. तो देखो जरा ना क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन 29 आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस बाय द सेल्समैन. आपको एक बजट दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस का, स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस,
और आपको सेल्स कोटा दे रखा है, राइट। तो पहले आप निकालो स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स एंड देन यू कंपेयर विद द एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस। ओके, तो पहले आप बना लो, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस, स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस। राइट, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह, दिस इज स्टैंडर्ड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स। मेरे को एक्सपेंस अलाउड था 2,25,000 व्हेन द सेल इज 7,50,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट। व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स 8,00,000। ये मेरे को एक्सपेंस अलाउड है, लेकिन उसके सामने कितना हुआ है वो मेरे को देखना है। 247,500 इज फॉर 9,00,000, 287,500 इज फॉर 11,50,000, 225 इज फॉर 6,00,000, 9,00,000 के लिए कितना, सॉरी व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स 10,00,000, 10,50,000 और 520। सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स, चार सेल्समैन्स हैं उनको ये एक्सपेंस अलाउड था, राइट। 2,25,000 डिवाइड बाय 750 इनटू 800, 2,40,500, 2,75,000, 2,62,500, 1,95,000। Then actual expense for actual sales, refer note number 1, actual expense for actual sales, refer note number 1। उसके बाद आपको आएगा variances। सही है सुनो फ्रेंड्स, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह को कितना एक्सपेंस अलाउड था और उन लोगों ने कितना एक्सपेंस एक्चुअल में किया, राइट। अगर ज्यादा किया तो एडवर्स, कम किया तो फेवरेबल। सही है सुनो फ्रेंड्स, नाउ नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल एक्सपेंस, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल एक्सपेंस, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह, एक्सपेंस में क्या क्या लेना है अपने को, राइट।
नंबर वन सैलरी 80,000 ईच, नंबर टू फ्री सैंपल 9,000, 7,500, 5,375, 8,000, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 8,000, 9,000, 10,000 एंड 6,000, अदर एक्सपेंस 9,500, 9,500, 10. सेल्समैन आर अलाउड कन्वेंस एक्सपेंस, गेटिंग ना फ्रेंड्स, बोलो 1 रुपीज 50 पैसे पर किलोमीटर. कितने किलोमीटर हम लोगों ने ट्रेवल किया है? 20,000 इंटू 1.5, 30,000 इन केस ऑफ रवि, 18,000 इंटू 1.5, 27,000, 18,000 इंटू 1.5, 27,000 और 30,000 इंटू 1.5, 45,000. कन्वेंस एक्सपेंस 1 रुपीज 50 पैसे पर किलोमीटर. डेली अलाउंस 80 रुपीज पर डे, 200 इंटू 80, 175 इंटू 80, 225 इंटू 80 एंड 240 इंटू 80. $16,000, $14,000, $18,000, $19,200. डेली अलाउंस 80 रुपीज पर डे. रवि गेट्स कमीशन 6% ऑन सेल्स एंड अदर्स 5% ऑन सेल्स. सेल्स कमीशन रवि गेट 6%, सो 8 लाख का 6% 48,000, 10 लाख का 5% 50,000, 1050 का 5% 52,500 एंड 520 का 5% 26,000. कॉर्पोरेट सेल्स ऑफिस एक्सपेंस चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30 इन केस ऑफ रवि एंड रिचर्ड एंड 40 रहीम एंड रूप सिंह. कॉर्पोरेट एक्सपेंस कितनी यूनिट सेल की है हम लोगों ने? 8 लाख. एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है? 400 इंटू 30 रुपीज, 10 लाख डिवाइडेड बाई 400 इंटू 30, 8 लाख, 400 इंटू 30, 60,000, 10 लाख, 400 इंटू 30,
75 and 40 in case of others, 10,50,000, 400 into 40, 520, 400 into 40, 10,50,000 divided by 400 into 40, 1,05,000, 5,20,000 divided by 400 into 40, 52. Take the total. $260. Second. $267,500. $301,875 and $246,200, 2,60,000, 20 adverse, $267,500, 7,500 favorable, right? 301,875, 39,375 adverse, 246,200 na, 51,200 adverse. So that is the end of your, अभी तक जितना भी किया है वो सब इंटर का था, right? नाउ अब स्टार्ट होगा आपका CA फाइनल. सबसे पहला आएगा एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. ओके, तो एकदम डिटेल में अपन करते हैं क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड एक ऐसा ओवरहेड है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो. ऑलराइट, परफेक्टली क्लियर?